भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे जिन्हें इस कमेटी में जोड़ा जा सकता था धर्मगुरुओं के अलावा। अब धर्मगुरुओं का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। पांचों संत अगर यात्रा करते तो अच्छा रहता। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद इन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी, ये क्या कारण है ये मैं जानता तो नहीं हूं, मगर ये गलत है। हमारा ये विचार है कि पांच संतों का जो दर्जा दिया गया है तो ये कौन से स्तर पर दिया है इसकी कोई जानकारी हमें आई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी संत निकलेंगे, फिर उनको क्या अपराध राज्यमंत्री का दर्जा दे सकेंगे? ये सरासर प्रोग्रेस निर्णय है कि जो सच्चाई है उसे सच्चाई के सामने आना चाहिए ना। अगर उनको दर्जा देते हैं तो बाकी लोग बाबाओं ने क्या किया? हम भी तो बाबा लोग, हमें भी तो हम भी नर्मदा पर कमा जाएंगे, हम भी तो परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। ये लोकशाही प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति हो चाहे बाबा हो सबको अधिकार रहता है कि सच्चाई सामने लाने का, सत्य क्या है ये प्रकाशित करने का। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में साधु संतों को जो मंत्री का दर्जा दिया है बहुत सराहनीय है, और कुछ संतों की ऐसी इच्छा है कि कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 11 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्यों कि ये जो सरकार है मध्य प्रदेश से लेकर के केंद्र तक, ये बीजेपी जो सरकार है साधु संतों की सरकार है, हिंदू संगठनों की सरकार है, हिंदुत्व के लिए सरकार है, इसलिए सभी संतों को एकजुट होकर के ऐसे सरकार को सहयोग करना चाहिए जो हिंदू हित की बात करे वही देश में राज करे। और जो संत राष्ट्र के प्रति चिंतन करते हैं, देश के प्रति चिंतन करते हैं, ऐसे संतों को आगे आना चाहिए और सरकार को ऐसे संतों को आगे लाना भी चाहिए। तो पांच संतों को मंत्री का दर्जा दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद है, धन्यवाद की बात है, और इससे उनकी सरकार को मदद भी मिलेगी और धर्म के लोग भी उससे जुड़ेंगे उनकी पार्टी से। और जो कार्य उनने किया है, एक संतों जैसा कार्य किया है, एक महान पुरुषों जैसा कार्य किया है, और इसी तरह भगवान राम ने भी जब राज किया था उस समय सबसे पहले संतों को लिया था। तो आपने सुना कि संत समाज का इस फैसले पर क्या कहना है। अब चलते हैं बिहार की खबर की ओर। बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पिछले 8 महीने का ये रिपोर्ट कार्ड है और इसमें पूरी तरह से नीतीश सरकार को फेल करार दिया गया है।